ऑनलाइन गेम्स को लेकर चीन से बड़ी खबर आ रही है। चीन ने एक साथ एक दर्जन वीडियो गेम लॉन्च किए हैं। पिछले साल लगे बैन के बाद चीनी सरकार का यह बड़ा फैसला है। इस साल 60 वीडियो गेम बाजार में उतारेगा चीन। हत्या, खुदकुशी और पेरेंट्स की परेशानी को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने 2020 में पबजी सहित ऐसे 106 गेम ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था जो समाज को नुकसान पहुंचा रहे थे। इनमें से ज्यादातर ऐप्स चीन के थे, लेकिन चीन को इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में इससे हो रहे नुकसान के बीच चीन ने एक बार फिर से करीब एक दर्जन नए वीडियो गेम्स लॉन्च कर दिए हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या चीन के इन ऐप्स की वजह से ही लखनऊ जैसी घटना आए दिन सामने आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक गेम ऐप्स को लेकर रेगुलेटर्स अपनी जांच पूरी कर चुके हैं, जिसके बाद चीन ने एक साथ एक दर्जन नए वीडियो गेम्स बाजार में उतार दिए। चीनी वीडियो गेम्स पर पिछले साल कई देश ने एक साथ बैन लगाया था। चीन ने इस साल ऐसे 60 गेम को हरी झंडी दी है जो अप्रैल से बाजार में आ रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में दुनिया के बाजार पर राज करने वाला चीन खुद को कोरोना की मार से निकालना चाहता है, लिहाजा उसने बाजार में नए गेम उतारे हैं। चीन का दावा है कि इस बार उसने ऐसे गेम लॉन्च किए हैं जिन्हें हर तरह से जांच परखा गया है, लेकिन चीन की इस बात पर कौन यकीन करेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।